नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बाजार में मिलने वाली मटका कुल्फी की जबरदस्त रेसिपी। तो दोस्तों आज की मटका कुल्फी जितनी ज़्यादा आसान है उतनी ही ज़्यादा डिलीशियस भी है। इसे बनाने के लिए ना हम गैस जलाएंगे और ना ही हम मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, ना ही कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, ना ही व्हिप क्रीम का इस्तेमाल करेंगे और ना ही दोस्तों हम इसमें कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिर भी हमारी आइसक्रीम बाजार की आइसक्रीम से किसी भी मायने में कम नहीं बनेगी। तो इसको बनाने के लिए हमने आधा कप चीनी ले ली है और कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। तो यहाँ पर हमने काजू और बादाम लिया है और आपके पास जो ड्राई फ्रूट हो आप ले लीजिएगा। इसे बंद करेंगे और ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद इसका टेक्सचर ऐसा रहेगा। ये अगर हल्का दरदरा भी है तो भी चलेगा दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसे एक बाउल में बाहर निकाल लेंगे। अब हम लेंगे ब्रेड स्लाइस। तो यहाँ पर हमने 5 ब्रेड स्लाइस को लिया हुआ है। अब इसके साइड के एजेस को हम हटा देंगे। इसे हटाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हमने इसे नहीं हटाया तो हमारी आइसक्रीम ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, ब्रेड के एजेस को हमने निकाल करके ले लिया है। अब क्या करना है, ये जो एजेस निकले हुए हैं इन साइड के एरिया को हमें फेंकना नहीं है, ये काम आ जाएंगे ब्रेड क्रम्स बना करके। तो ब्रेड क्रम्स बना करके हम इनका कटलेट भी बना सकते हैं और कोई भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे रख लेते हैं अलग। अब सेम जार ले लेंगे जो हमने चीनी पीस करके इस्तेमाल किया था, इसी में ब्रेड को ऐसे तोड़ करके डाल देंगे। ये ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, आसानी से टूट जाती है। तो इसे डाल देंगे इसमें और बंद कर देंगे और चला करके ले लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है, हल्का दरदरा ही रखना है। तो ये देखिए इसका टेक्स्चर, ये हल्का सा दरदरा ही है। इसके जो चंक्स होते हैं ब्रेड के, जब आइसक्रीम के साथ में बन करके तैयार होती है तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, मतलब एकदम मज़ा आ जाता है जब मुँह में जाते हैं। तो बस इसे हम ऐसे ही रखेंगे और अब क्या करेंगे, इसे भी उसी बाउल में डाल लेंगे जिसमें हमने चीनी और ड्राई फ्रूट का मिक्सचर डाला हुआ था। तो इसे डाल लेते हैं और अब इसमें डाल देंगे 1 कप मिल्क। ये फुल फैट क्रीम मिल्क है और इसमें क्या है दोस्तों, हमने 1 लीटर मिल्क में जितनी मलाई होती है उस मलाई के साथ में इस मिल्क को लिया हुआ है। तो मलाई के साथ में मिल्क को डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ये थोड़ा सा मिल्क सा लग रहा है, तो वाइटनेस इसकी थोड़ी सी कम करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 चम्मच मिल्क में थोड़े से केसर को भी भिगो करके रखा था तो वो डाल देंगे। तो यहाँ पर केसर को डालना ऑप्शनल है दोस्तों, लेकिन अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा। 2 फायदे होते हैं इसके, एक तो इसका टेक्स्चर क्रीमी सा हो जाता है, दूसरा नहीं लगता है वाइट, और दूसरा क्या होता है इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। तो इसको डालने के बाद मिला लिया हमने और अब क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे थोड़े से ये किशमिश, काले वाले हैं मेरे पास तो इनके डाल देंगे। आपके पास नॉर्मल किशमिश है तो वो भी डाल सकते हैं। और आपको अगर कम मीठा पसंद है तो मैंने 1/2 कप चीनी ली थी, आप चाहें तो चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। अब क्या करेंगे, गुलाब की सूखी पंखुड़ियों को डाल देंगे। ये पैटर्न्स डालने से ब्रेड्स बहुत बढ़िया टेक्सचर भी आता है और बहुत बढ़िया खुशबू भी आ जाती है इसमें। तो इसमें हम आज इलायची पाउडर वगैरह का कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ इसमें गुलाब के पैटर्न्स को डाला है इसमें, जिसकी वजह से इसका टेक्स्चर बहुत बढ़िया आएगा और खुशबू भी बहुत बढ़िया आएगी। लग रहा है ना एकदम ज़बरदस्त। तो बस इसे अच्छे से मिला लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों हमें आइसक्रीम जमाने के लिए कोई मोल्ड की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप ऐसे जैसे छोटी कटोरियाँ होती हैं घर में उनको ले सकते हैं या फिर छोटे ग्लास को भी ले सकते हैं आइसक्रीम जमाने के लिए। तो इसमें बैटर को पोर कर देंगे। तो बैटर को भरते समय हम थोड़ा सा स्पेस इसमें खाली रखेंगे जिससे कि इसे बंद करने में कोई असुविधा ना हो। तो सभी को भर लेते हैं दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, बैटर को हमने भर करके रेडी कर लिया है। अब इसे क्या करेंगे, बंद कर देंगे तो आसानी से बंद हो जाता है। तो जैसे भी आप आइसक्रीम बनाते हो इसे बना करके बैटर भरने के बाद में इसे बंद कर दीजिए। तो सभी को बंद कर लेंगे। यहाँ पर आइसक्रीम को हमने भर करके रेडी कर लिया है। अब इसे 2 से 3, 3 से 4 घंटे के लिए, जितनी देर में आपका रेफ्रिजरेटर इसको बना करके तैयार कर दे तो उतनी देर के लिए इसको रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। तो फ्रीज़र में रखिएगा। तो मेरे फ्रीज़र ने इसको 3 घंटे में ठंडा कर दिया है, बना करके रेडी कर दिया है बहुत ही आसान तरीके से। तो अच्छी कूलिंग लगाएंगे तो बहुत जल्दी जम के रेडी हो जाती है आइसक्रीम। रेडी है, लग रही है ना एकदम ज़बरदस्त। इसको प्लेट में रख के दिखाऊंगी दोस्तों, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और ये आइसक्रीम देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर में बन के तैयार हुई है। तो मतलब बिल्कुल मार्केट वाली बाजार वाली आइसक्रीम से भी ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। सभी को आसानी से हमने बाहर निकाल करके रेडी कर लिया है। तो इस आइसक्रीम को आप कब बना के तैयार कर रहे हैं कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी आइसक्रीम की रेसिपी दोस्तों आपको पसंद आई हो तो लाइक करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ लेकर के मैं आती रहूँगी। तो मैं फिर मिलूँगी दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई सी प्यारी सी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए मस्त रहिए दोस्तों, खुश रहिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।